कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी के रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी की फेस्टिव सीजन ड्रेस, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये बेस कट किया है। बेस मैंने कट करना कई वीडियोज़ में आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। तो ये बेस हमने रेड कलर का कट किया है और साथ ही साथ बुकरम, इन दोनों को हमने आपस में स्टिच करके ज्वाइन कर लिया। एक मैंने क्रीम कलर की नेट ली है, इसकी हम इसके ऊपर फ्रिल बना के अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चुनटे डालते हुए। ये हल्की सी मैंने लॉन्ग ली है, 1 इंचेस लॉन्ग ली है एज़ कम्पेयर टू जो बेस हमने लिया है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रिल बना के अटैच कर देंगे। तो ये मैंने फ्रिल ऐड कर ली है, तो ये घेरा कुछ इस तरह का बना है, आप देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आता है, क्योंकि इनर साइड पे रेड एक डार्क कलर है और आउटर साइड पे एक लाइट कलर है, कुछ इस तरह का बन गया। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए मैंने एक ये स्ट्रिप ली है, आप कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिए। साइज़ चार्ट मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, देन हमने इसके दोनों साइड पर गोटा लेस कुछ इस तरह से फोल्ड करके अटैच कर देनी है। स्ट्रिप रेडी करने के बाद हमने हाफ हाफ में कट कर ली है स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये ड्रेस हमारी रेडी हो जाएगी। कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है, इस तरह से यहाँ पे ये रखेंगे, देन इसी को घुमा के इस तरह से, देन ये भी इसी तरह से, तो ये कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की ड्रेस हमारी बन गई है। अब आरी आती है इस ड्रेस को डेकोरेट करने की। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लावर्स का यूज़ किया है। कुछ इस तरह के रेड कलर के, क्योंकि रेड ही हमारा बेस है। तो ये मैं कुछ इस तरह से 3-3 फ्लावर्स का एक पंच टाइप बना के यहाँ पे लगा दूँगी। ये ड्रेस कुछ इस तरह की बनके रेडी हो चुकी है। मैंने फ्लावर के ऊपर हल्का हल्का ग्लिटर भी लगा दिया है, ताकि ये एक सटल लुक दे। उसके बाद बारी आती है मुकुट के। मुकुट के लिए मैंने बुकरम के ऊपर फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है, आप चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देना है या पेस्ट कर देना है, जो भी आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। देन इसे डेकोरेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू ड्रेस। तो ये हमने मुकुट पे हैंडमेड फैब्रिक की कलगी लगा दी है। ये कलगी मैंने मुकुट वाली वीडियो में आपको बनानी सिखाई है। सिंपल हमने एक स्ट्रिप लेनी है, उसमें चुनटे डालनी है, देन उन दोनों को इस तरह से राउंड शेप लाके लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर यही सेम फ्लावर लगाएंगे। ये थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर लिए हैं मैंने ड्रेस के लिए, थोड़े से छोटे साइज़ के यूज़ किए हैं। आप सेम यूज़ कर सकते हो साइज़, या इन्हीं की पेटल्स उतार के छोटे साइज़ के कर सकते हो। तो ये मैं 3 फ्लावर्स इसके ऊपर लगा दूँगी कुछ यहीं पे बंच बना के। तो ये मुकुट हमारा बनके रेडी हो जाएगा। मुकुट बनके रेडी हो चुका है। ये मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं, ऊपर हल्की हल्की ग्लिटर लगा दी है ताकि लुक आ जाए। बांसुरी के लिए मैंने न्यूज़पेपर को रोल किया है सिंपली, और उसके ऊपर मैंने सिल्क थ्रेड रैप किया है रेड कलर का। उसके ऊपर एक साइड पर मैं ये एक फ्लावर लगा दूँगी, तो ये बांसुरी भी कम्प्लीट हो जाएगी बन के कुछ इस तरह से। आपको इसको प्रेस करके रखना है जब तक ये चिपक ना जाए। ये कुछ इस तरह की हमारी बांसुरी बन गई है। अब बारी आती है नेकलेस की। नेकलेस के लिए कोई भी आपको एक थ्रेड लेना है, उसके ऊपर इस तरह से ये फ्लावर्स पेस्ट कर देने हैं। 5 फ्लावर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ये पीछे के साइड जाके नोट टाइप हो जाएगी। माला बनने के बाद हम बनाएंगे कंगन। एक मैंने बना रखा है, एक मैं बना के दिखा रही हूँ। वायर लेनी है, उसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है 1 साइड से, ताँ जो ये निकले नहीं जो हम पर्ल्स पिरोएंगे। अब इसमें हमने पर्ल्स पिरोने हैं, आप अपनी मर्जी के पिरोइए, मेरे पास ये अवेलेबल है, हल्के से बड़े साइज़ के हैं। तो ये मैं 3-4 एक साइड पे आप पिरो लीजिए, बाकी आप कान्हा जी के हाथ के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कितने पिरोने हैं। उसके बाद हम मिड में ये फ्लावर पिरो देंगे वायर में ही। उसके बाद अगेन यही स्टेप रिपीट करेंगे, पर्ल्स पिरोएंगे। पर्ल्स पिरोने के बाद इसको ये जो हमने फोल्ड किया था उसके बीच में से निकालना है, और इसको भी फोल्ड करके एक्स्ट्रा वायर को आप कट कर दीजिए, या फिर कुछ इस तरह से लाते हुए इन पर्ल्स के बीच में से
निकाल दीजिए ताजो कल को आप साइज़ को एडजस्ट कर सकें कुछ इस तरह से। तो ये हमारा कंगन जो है बन गया है, इसमें हम ग्लिटर लगा लेंगे, लगाना चाहें या पर्ल्स लगाना चाहें इसके ऊपर तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा ड्रेस विद मुकुट विद ज्वेलरी सेट बनके रेडी हो चुका है। ये मैंने इयररिंग बना लिए हैं, मैंने फ्लावर के ऊपर जस्ट ग्लिटर लगाई है, इसको हम जो ग्लू आती है पेस्टिंग वाली कान्हा जी के श्रृंगार के लिए उससे इस पर ऐड कर सकते हैं कानों में। ये माला हो गई, इसको आप एज अ कमरबंद भी बाकी की ड्रेसों पे जो नॉर्मल सिंपल प्लेन ड्रेसेस होती है उनको हैवी लुक देने के लिए इसको एज अ कमरबंद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है प्यारी सी हमारी ड्रेस, आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत प्यारा सा सेट बना है, आप जन्माष्टमी के लिए ऐसा सेट जरूर ट्राई करें। आप किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं, कलर की कोई बाउंडेशन नहीं है। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।